नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के अनेक इलाकों पर बरसाती मौसम और अगले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों में दोस्तों बादल छाए रहने और बरसाती मौसम देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा पूरे राजस्थान का मौसम, अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, आज भी राजस्थान के 14 जिलों में बरसात और आंधी को लेकर अलर्ट है। पिछले 15 दिनों से हो रही बरसात अब दोस्तों धीमी हो गई है और अगले 3 से 4 दिनों तक कई शहरों में तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में लू भी चल सकती है। इस बार राज्य में मानसून की एंट्री पिछले साल की तरह देरी से हो सकती है। मानसून राज्य में 7 से 8 दिन की देरी है या सामान्य से ज्यादा देर प्रवेश कर सकता है। वहीं दोस्तों, इस साल के सबसे गर्म दिन की बात करें तो 46 डिग्री तापमान गया था, जो कि 13 मई को जैसलमेर में था। उसके बाद दोस्तों पूरे मई खत्म हो गया और अप्रैल के एक सप्ताह बीत गया, फिर भी इतना गर्म मौसम नहीं रहा। बाद में दोस्तों सीजन में ऐसा मौसम बदला कि जयपुर, अजमेर, सीकर, उदयपुर, अलवर में तापमान 44 डिग्री के करीब एक बार फिर नहीं गया। इस समय राज्य के सभी शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस कम है और धौलपुर में कल जो है सबसे अधिक तापमान 39.3 था। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज राजस्थान के जो है बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग की जारी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के अजमेर, अलवर, दौसा, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर के क्षेत्रों में यहां पर गरज चमक के साथ बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी और पाया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून की एंट्री में देरी हो सकती है। मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 20 से 24 जून के बीच में, लेकिन यहां पर केरल में मानसून देरी है, इसलिए यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 30 जून को जो है मानसून प्रवेश करेगा। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस सीजन में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रह सकता है और प्रदेश के जो है राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में इस बार औसत से कम बरसात का अनुमान है, यानी कि इस बार ज्यादा बरसात नहीं होगी। और मौसम विभाग की माने तो 14 जिलों में अभी बरसात हो सकती है, खास करके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली समेत 14 जिलों में मौसम में बदलाव होगा। राजस्थान के कई इलाकों पर तेज हवाएं चलते हुए नजर आएंगी, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गर्मी भी राजस्थान का पीछा नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर सभी जिलों में लगभग तापमान में बढ़ोतरी होगी और ज्यादातर इलाकों पर गर्मी का प्रकोप भी रह सकता है। वहीं दोस्तों यहां पर अजमेर में, अलवर में, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और यहां पर बताया जा रहा है कि सीकर, टोंक के अलावा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर एरिया में मौसम में बदलाव के साथ थंडरस्टॉर्म यानी कि बिजली गिरने की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसी दौरान बरसात और आंधी के आसार अगले 2 दिन में भले ही आंधी और बरसात की स्थिति रहेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर 4 दिन के अंदर अंदर पश्चिमी विक्षोभ खत्म होने के साथ ही कोटा, जोधपुर संभाग के कुछ भागों पर यहां पर मंगलवार, बुधवार को अधिकतम तापमान 43 के करीब जा सकता है। कुछ इलाकों पर भारी गर्मी के तीखे तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में दोस्तों यहां पर काफी ज्यादा जगहों पर भारी बरसात और आंधी तूफान ने अनेक लोगों की जो है जान चली गई है। आंधी और थंडरस्टॉर्म के गिरने की वजह से काफी नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान गई, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखेगा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों यहाँ पर जो है राजस्थान में काफी ज्यादा जगह पर अब गर्मी का दौर भी शुरू होगा और बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर राजस्थान में ऐसी गर्मी पड़ेगी कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी और लू के हालात भी राजस्थान में बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है? क्या आपके यहाँ पर बरसाती मौसम है या मौसम ठंडा है? कमेंट करके हमें जरूर बताना।